नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपका दोस्त संजय कौशिक। दोस्तों, शिक्षा जगत के बादशाह एवं पूर्व विधायक नांगल चौधरी राव बहादुर सिंह जी ने आज कनीना अनाज मंडी का दौरा किया एवं किसानों की समस्याओं को भी उठाया। इसी के साथ साथ उन्होंने हैफेड गोदाम का भी जायजा लिया एवं वहाँ पर उपस्थित अधिकारियों से किसानों को नहीं मिल रहे DAP के बाबत बात भी की एवं ना मिलने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि एक तरफ किसान जहाँ आत्महत्या करने पर मजबूर है, वहीं दूसरी ओर सरकार घोड़े बेचकर सो रही है और किसानों के साथ सरासर अन्याय कर रही है। उन्होंने बताया कि एक तरफ सरकार जहां धान की फसल खरीदने के लिए आगे से आगे आ रही है, वहीं किसानों को बाजरे की फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसी के साथ साथ राव बहादुर सिंह जी किसानों से भी रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि किसान अपना बाजरा बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ना तो उनका बाजरा खरीदने के लिए सरकार कोई पहल कर रही है और ना ही आठ दिन आगे आ रहे हैं। ऐसे में अगर किसान जाएं तो जाएं कहाँ, ताकि जो किसान खेती बाड़ी से अपना गुजर बसर करते हैं, जीवन जिनका जीवन यापन खेती बाड़ी के द्वारा होता है, वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके एवं महसूस कर सके कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आज जहाँ JJP व BJP सरकार में अपराध एवं गुंडा राज चरम सीमा पर वही है, वहीं विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा सरकार बनाने में हमेशा से अहम योगदान देता रहा है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि वोट तो ले लेते हैं और उसके बाद जनता की जो दुर्गति करते हैं वो हाल आप सबके सामने है। हमारी पार्टी खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए हरियाणा अपडेट। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। हम सरकार को चेताने का काम करेंगे, हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, माननीय DC साहब से मिलकर के उनका समाधान करवाने का काम करेंगे। गवर्नर के नाम से हमें उनको उनके नाम से एक ज्ञापन दे करके और खाद का निदान करवाने का काम। ये प्राइवेट दुकानों पे खाद आ रहा है प्रधान जी, इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं जमींदारों के साथ, भाई एक एक किस्म का कट्टा लो या और लो, क्या बात। इसके लिए भी अभी जब हम आए इस बात का पता लगा है, किस्म का कट्टा की बात करते हैं, हमें इसका जा करके डिस साहब से मिल करके इसका भी समाधान करवाने का। जमींदार का मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? नहीं नहीं, हम जमींदार का मजबूरी का फायदा उठाना नहीं देंगे, लेकिन मैं जमींदारों से भी कहता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी जहाँ आई है उसको थोड़ा सा हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज किसान जिस प्रकार से संघर्ष कर रहा है, हमारे इलाके के लोग कम जागरूक हैं। तो इन समय मैं प्रार्थना करूँगा ताकि मेरी बात सुन करके आगे आएँ और हम सारे मिल करके चलेंगे तो हर चीज़ को काबू कर सकते हैं। तो क्या है, किस मंडी का दौरा किया सर, क्या कहना चाहते हो इसमें? मैं जिस प्रकार से मंडी का दौरा, तो आप सभी को पता है जो हालात आज पूरे प्रदेश की और ख़ास करके हमारे दक्षिणी हरियाणा की, ख़ास करके हमारी, चाहे मैं अटेली की बात करूं और चाहे कनाडा की बात करूं, महेंद्रगढ़ की बात करूं, नारनौल की बात करूँ, आज परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ, जबकि आज बात करते हैं तो आज की सरकार को हमने बहुत बड़ा सहयोग देकर के, चाहे पार्लियामेंट की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, हमने दोनों सरकारों में जिस प्रकार का सहयोग देकर के, और सहयोग ही सहयोग नहीं, हमने पूरी ताकत देकर के जिस प्रकार से सरकारें बनाई, लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे देश में आग लगी हुई है, किसान की बात करते हैं, 3 काले बिल इन्होंने पेश किए, उनको लेकर के पूरे देश में जिस प्रकार की आज किसान धरने पर है, और उसको लेकर के सरकार ने एक भी दिन उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि कोरोना काल में कई लोग अपनी जान भी दे चुके। आज जिस प्रकार से यूपी में इन्होंने किसानों को रौंदने का काम किया, आज हमारे पूरे जिले महेंद्रगढ़ में इन की सरकारों को हमने सहयोग दिया, बल्कि इनको कहीं रैली करने के लिए जगह नहीं मिलती।